गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में एक जो कुदाल बनाते हैं, कुदाल उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो कुदाल बनता है। कुदाल बहुत से लोगों को कुदाल नाम पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं कि कहीं कहीं इसको कुदाल बोलते हैं, कहीं फावड़ा बोलते हैं या कहीं कसी बोलते हैं। तो जैसा ये कुदाल दिखता है हाथ में आ जाने के बाद, बनने के बाद, वैसा तो होता नहीं है। पहले इसको कुछ मतलब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, कैसे उसको बनाते हैं, बनाने के बाद फिर कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। बेसिकली इसको यूज करते हैं जैसे गड्ढा वड्ढा खोदने के लिए, या खेती में मतलब खेत को खोदने के लिए इसको खोद के फिर बीज बीज डालते हैं, इधर उधर घास वास साफ करने के लिए, घास छीलने के लिए, या कुछ भी उठाने के लिए, गांव में कुछ भी उठाने के लिए इसको यूज करते हैं। मिट्टी विट्टी खोदने के लिए, मिट्टी डालने के लिए, मतलब बहुत सारा यूज है, मल्टीपर्पज यूज है इसका। तो कुदाल का कैसे बनता है वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो कुदाल अभी दिख रहा है आपको, एक नया कुदाल है, मैं मार्केट से इसको नया खरीद के लाया हूँ और फिर इसको ले गया हूँ, और इसका मतलब प्रोसेस हो रहा है। इसको इसमें धार लगाया जाता है, पहले धार लगा रहे हैं। तो ये भट्टी है, भट्टी में इसको पहले आग में इसको गर्म करते हैं, फिर इसको पीटते हैं। धार लगाने के लिए इसको पीटना पड़ता है, तो वही प्रोसेस चल रहा है अभी। ये पीट रहे हैं और पीटने के बाद इसमें धार लगा रहे हैं। तो एक बार इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद आग जल रहा है, भट्टी है वो, तो कोयला उसमें डाल रखे हैं और कुछ लकड़ी डाल रखे हैं, और उसमें टाइम टू टाइम इसको फावड़े को उसमें डाल दे रहे हैं जहाँ धार लगाना है, और फिर जैसे ही वो लाल हो जा रहा है फिर उसको निकाल के हथौड़े से उसको पीट रहे हैं। तो लोहा लाल हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है, फिर उसमें उसको पीटने से, तो फिर जिस शेप में बनाना उस शेप का आ जाता है वो। तो आगे वाले पोर्शन में उसको धार लगाना है, तो ये एक चैन खींच रहे हैं, चैन वो भट्टी का चैन है वो, और चैन एक लकड़ी से बंधी हुई है, और पीछे वहाँ पे वो है। जैसे ही चैन खींचते हैं उसमें भट्टी में आग जलने लगती है। आग क्या जलने लगती है, उसमें कोयला है, लकड़ी है, ये सब डाल रखे हैं, जिससे लोहा यानी उस फावड़े को उसके अंदर डाल देने से वो जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म होकर लाल हो जाता है। तो एक हाथ से चैन खींच रहे हैं और एक हाथ से चिमटा पकड़ के उस फावड़े को उस आग में डाल रखे हैं। तो जैसे जैसे लोहा उस फावड़े का आगे वाला हिस्सा गर्म होगा, लाल होने लगेगा, फिर उसको निकालेंगे चिमटे से पकड़ के, फिर इस ये सामने वाले लोहे पे रख के उसको फिर हथौड़ी से उसकी पिटाई होगी, फिर पीटते पीटते उसको शेप देंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा उसमें धार लगाने का, जब तक आगे का पूरा धार नहीं लग जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसे ही बार बार उसको आग में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसको हथौड़े से पीटते रहते हैं। मेहनत तो बहुत है, क्योंकि लोहे को गर्म करना फिर उसको पतला करना बड़ी मुश्किल बात है। लोहे को गर्म करके फिर उसको पीटना, फिर उसको धार लगाना, उसमें बड़ी मेहनत है। तो देखा जाएगा अभी कैसे हो रहा है, ये कैसे होता है। तो बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए कि नए कुदाल में कैसे धार लगाया जाता है, कैसे कुदाल को कुदाल बनाया जाता है, फावड़े को कैसे फावड़ा बनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको वही दिखा रहे हैं। ये बार बार इसको पीट रहे हैं और फिर उसमें कोयले के ऊपर जो आग में जल रहा है, एक हाथ से भट्टी चला रहे हैं, फिर उसको गर्म करके लगातार उसकी पिटाई होते जा रही है। देखिए, फिर इसको डाल दिया, उसको डालते हैं, पीटते हैं, प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए, पूरा पीट दिया इन्होंने, आगे वाले पोर्शन में पूरा पीट के पतला कर दिया। अब इसको रेती से उसमें धार लगा रहे हैं। इसको हम लोग रेती बोलते हैं, रेती। तो जिस हिस्से को इन्होंने पीटा था
आग में डाल के पिटाई किया था, उसके बाद उसी हिस्से को अब रेती से और इसमें धार लगा रहे हैं। पहले तो पतला किया था पीट पीट के, अब पतला हो जाने के बाद आगे वाले हिस्से को धार लगा रहे हैं। अब कुदाल को पूरे जोर से मिट्टी में मारेंगे तो मिट्टी में घुसना भी तो चाहिए, मिट्टी को काटते हुए अंदर घुसेगा तभी तो मिट्टी उठाएगा ये, इसलिए उसमें धार तो ज़रूरी है। ऐसे ही मोटे कुदाल को, किसी भी मोटे चीज़ को अगर ज़मीन में ऐसे ही मार देंगे तो ज़मीन के अंदर जाएगा ही नहीं, ऊपर ही रह जाएगा, इसलिए उसको धार लगाना ज़रूरी है। शार्प बना रहे हैं रेती से, उसको शार्प बना रहे हैं। तो रेती एक टाइप का मतलब औजार है जिससे किसी चीज़ में धार लगाया जाता है, जैसे कुदाल हो गए, कुदाल में धार लगा रहे हैं। ये देखिए धार लगा दिए हैं, अभी धार लगाने के बाद रखे हैं। ये बेंट है जो कुदाल के ऊपर बेंट लगाया जाएगा, उसके ऊपर बेंट लगाया जाएगा। ये धार लगा रहे हैं, धार लगा के फिर जब पूरा धार लग जाएगा तो फिर उसके बाद उसमें बेंट लगाएंगे, वो लकड़ी का तो बेंट लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि पूरा तैयार हो जाने के बाद ये फावड़ा यानी कुदाल तो पूरा तैयार हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखता है। तैयार हो गए, पीट पीट के आगे वाले हिस्से में धार लगाया था, नया फावड़ा लिया था, इसको पीट पाट के इसमें धार लगा और ऐसे बना दिया। तो ये है वो फावड़ा, ये इसका बेंट है और ये है वो फावड़ा। अब ये रेडी है, घास छीलो या मिट्टी खोदो या कहीं भी यूज़ करो। ज़रूरत थी मुझे एक, इसलिए मैंने इसको नया ख़रीदा और बनवाया इसको, अब ये सही है यूज करने के लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए चीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।